नमस्कार, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड पेपर और तीसरा चैप्टर, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय। प्रायः ये वार्षिक परीक्षाओं में, विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने के क्या कारण है और प्रति व्यक्ति आय को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा, फिर उसके बाद भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने के क्या कारण है, उन कारणों का विश्लेषण करेंगे, और फिर उसके बाद प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, इस पर विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा। प्रति व्यक्ति आय वह है जिसे कुल राष्ट्रीय आय में जनसंख्या द्वारा भाग देने से प्राप्त किया जाता है। अब दो इसमें स्पष्ट हो गया कि यदि हम राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग दे दें तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाए। सूत्र इसका है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, जनसंख्या। अब इस सूत्र के आधार पर भी हम एक परिभाषा बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने से जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। यदि हमें ये फार्मूला, ये सूत्र पता है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, तो हम एक परिभाषा और बना सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने से जो भागफल प्राप्त होता है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय की एक छोटी सी परिभाषा। भारत में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कम होने के क्या कारण है। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम क्यों है, इसके कुछ निम्नलिखित प्रमुख कारण है। नंबर एक, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय कम। हम जानते हैं जनसंख्या, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से डिवाइड किया जाता है। अब चूंकि जनसंख्या अधिक है, राष्ट्रीय आय कम है, तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। दूसरा, कृषि की उत्पादकता कम। हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। अब चूंकि कृषि की उत्पादकता कम है, कृषकों की आय इसलिए कम हो जाती है, आय कम होने के कारण से राष्ट्रीय आय कम हो जाती है, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। तो ये एक प्रकार से चक्र चलता है। दूसरा क्या है, श्रमिकों की कार्य क्षमता कम होने के कारण भी प्रति व्यक्ति आय कम है। हमारे देश के श्रमिकों की कार्य क्षमता कम है। अब उसके कई कारण है, ग्रीष्म जलवायु है और श्रमिक शिक्षण और प्रशिक्षण का अभाव है, कुशल श्रम का अभाव है, आधुनिक तकनीकी से अनभिज्ञता है। इस कारण से हमारा जो श्रम बल है उसकी कार्य क्षमता कम है, और कार्य क्षमता कम है इस कारण से उनकी आय भी कम है। अगला कारण है कि समाज में आय वितरण में असमानता है। हम जानते हैं कि देश के कुछ अल्पसंख्यक लोगों के पास राष्ट्रीय आय का बहुसंख्यक भाग है और बहुसंख्यक जनसंख्या के पास राष्ट्रीय आय का अल्प हिस्सा ही है। तो ये जो समाज में आय के वितरण की असमानता है, इसने भी राष्ट्रीय आय या देश के आर्थिक विकास को बाधा पहुंचाया है। राष्ट्रीय आय कम है
राष्ट्रीय आय कम होने के कारण से प्रति व्यक्ति आय भी कम हो जाती है। अगला कारण क्या है? सामाजिक कुरीतियों के कारण भी प्रति व्यक्ति आय कम है, प्रशासनिक अकुशलता है, भ्रष्टाचार व्याप्त है और पंचवर्षीय योजनाओं की असफलता। हम जानते हैं कि देश की जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गईं, वो सफल सिद्ध नहीं हुई और इस असफलता के कारण राष्ट्रीय आय कम है और राष्ट्रीय आय कम होने के कारण प्रति व्यक्ति आय भी कम है। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिन कारणों से भारत की राष्ट्रीय आय, भारत की प्रति व्यक्ति आय कम है। अब कुछ मौलिक सुझाव ताकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सके, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव। नंबर एक, जनसंख्या वृद्धि रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दिया जाता है और जनसंख्या की अत्यधिक तीव्र गति से वृद्धि जो है, इसने भारत की प्रति व्यक्ति आय को कम किया। तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि तेजी से बढ़ रही जनसंख्या को नियंत्रित किया। दूसरा, कृषि की उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया जाए, अति आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करके आधुनिक बीज, खाद और सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके हमें कृषि की उत्पादकता बढ़ाने का भरसक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कृषि पर देश की अधिकांश जनबल जनसंख्या आश्रित है। यदि हम कृषि की उत्पादकता को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगी। अगला बिंदु है, कुशल श्रम तैयार किया जाए। हम जानते हैं कि हमारे देश का श्रम जो है, श्रम बल अकुशल है, वो आधुनिक तकनीकी से अनभिज्ञ है, उत्पादन की आधुनिक तकनीकी का उपयोग नहीं कर पाता है। तो इसलिए श्रमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, कौशल विकास योजना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि कुशल श्रम का निर्माण हो सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाए, वितरण की असमानता को कम करने का प्रयास करना चाहिए, जो गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसको कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि गरीब व्यक्ति की उपभोग प्रभावपूर्ण मांग जो होती है वो अधिक होती है और प्रभावपूर्ण मांग की अधिकता से ही रोजगार का सृजन होता है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, आर्थिक विकास की गति जो है तीव्र होती है। तो वितरण की असमानता को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए, अमीर और गरीब के बीच की खाई दूरी को पाटने का प्रयास करना चाहिए, प्रशासन को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का प्रयास किया करना चाहिए, आधारभूत संरचना को मजबूत बनाना चाहिए, बचत और विनियोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बचतों और विनियोग को प्रोत्साहित करने से ही पूंजी का निर्माण होगा, पूंजी के निर्माण से ही उत्पादन में वृद्धि होगी, रोजगार का सृजन किया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि भारत में बेरोजगारी है और कृषि में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। अदृश्य बेरोजगारी अर्थात कृषि में जो श्रमिक लगे हुए हैं, अतिरिक्त श्रम बल लगा हुआ है जिसकी उत्पादकता शून्य है, यदि इनको दूसरे कार्यक्रमों में रोजगार यदि दिया जाएगा तो इससे कृषि का भी लाभ होगा और अतिरिक्त श्रम बल जो है उसका, उसकी आय उत्पादकता बढ़ेगी, उसकी आय बढ़ेगी और देश की प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। इस प्रकार से ये कुछ मौलिक सुझाव हैं जिनसे प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रकार से यह प्रश्न जो है ये कंप्लीट हो जाता है, प्रश्न के प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं और भारत में भारत की प्रति व्यक्ति आय कम क्यों है, इसके कारण बताइए और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के मौलिक सुझाव दीजिए। धन्यवाद।